केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बाल्यान ने किसानों को धमकी दी है। मुझे फैसला लेने वाला हूँ मैं, चुप हो जा, कोई बोलता तो नहीं, बात करने का इशारा। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने खुदकुशी करने वाले किसानों को कायर और अपराधी कह दिया। कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भाग अपने नादान बच्चों और अबोध सी पत्नी पर अपना बोझ छिड़कर चला जाता है और ऐसे लोग कायर होते हैं। कृषि मंत्रालय का कहना है कि दरअसल प्रेम प्रसंग और नामर्दी ये किसानों की खुदकुशी की वजह है। नितिन गडकरी ने कहा है कि किसान भगवान या सरकार पर भरोसा ना करें। माझा गावाचा विकास मी करीन आणि परमेश्वर आणि सरकार या दोघांवर केवळ विश्वास ठेवा तर तुमचा विकास होणार नाही। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से जुड़ी हुई है, जिन्होंने बेमौसम बरसात से बर्बाद फसल की वजह से किसानों की आत्महत्या का ये जवाब दिया है कि केंद्र के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। एक्चुअल कहां कितने आत्महत्या आदि किसानों ने की है तो वो या तो गृह मंत्रालय के पास आता होगा या राज्य सरकारों के पास होगा। In the last 72 hours alone, 12 farmers in Maharashtra's Vidarbh region have committed suicide, and yet a member of parliament from the BJP, Sanjay Dhotre, who claims to be fighting for these farmers' cause, has openly mocked their plight and their struggle, and in the presence of the state's revenue minister, he said, "Let them die if they have to." एक तरफ जहां सूखे की मार से किसान खुदकुशी कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री कुसुम महदले ने कहा कि जब कोई जवान बेटे की मौत पर आत्महत्या नहीं करता तो सूखा पड़ने पर क्यों करता है। किसी का जवान पुत्र यदि खत्म हो जाता है तो उसका पिता बेटा आत्महत्या नहीं कर लेता, और सूखे की त्रासदी इतनी बड़ी त्रासदी नहीं है कि किसी के जवान पुत्र की मौत से बड़ी त्रासदी हो। जीत सिंह रखरा सिंह, he says that farmers are dying in Punjab due to God's will. Can you believe that? Yes, that's exactly what he said. Punjab farmers are dying due to God's will. हमेशा परिवार में मैंने कहना होता है, पर हुन जो कुदरती हादसे एक्सीडेंट की हादसे था परमात्मा। आज जवान जय किसान नहीं, मर जवान मर किसान।